बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। आज हम झटपट सा एक बहुत ही मज़ेदार आपको तरीका बताते हैं चटनी बनाने का। ये चटनी तमाम चटनियों पर भारी है। ये एक चटनी बना लेंगे आप, हर चीज़ के साथ ये चटनी जाती है, चाहे फ्राइड आइटम हो, सैंडविच हो, बर्गर हो, फिश हो। इसको बनाने के लिए हमने ले ली है 10 से 15 हरी मिर्चें ले ली हैं, 15-20 जितनी क्वान्टिटी में आप बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से। एक चम्मच बस पुदीना चाहिए, बहुत ज़्यादा पुदीना नहीं जाएगा, नहीं तो कलर ख़राब करेगा ये चटनी का, सेव नहीं हो पाएगी। एक चम्मच टेबल स्पून बड़ा वाला भर के मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, और लहसुन जाएगा इसमें, ये छिलके समेत डालूंगी मैं, छिलूंगी नहीं। ज़ीरा 1 टीस्पून लिया है, क्वार्टर से भी चुटकी भर मैंने इसमें डाल रही हूँ चाइना सॉल्ट, अगर आप नहीं पसंद करते तो ना डालें। और रेगुलर सॉल्ट भी मैंने 1 टीस्पून डाला है, और एक प्याली भर के मैंने दही ली है, अच्छी दही है, खट्टी दही नहीं है। बस क्या करना है, तमाम चीज़ें इस जग में डाल देनी है और इसको ब्लेंड कर लेना है अच्छा सा, और ये चटनी आपकी काफ़ी टाइम तक चल सकती है फ्रिज में रखने के बाद। इसको आप तमाम फ्राइड आइटम के साथ यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पकोड़े हो, समोसे हो, रोल हो, फिश हो, चिकन फ्राई हो, पुलाव हो, हर चीज़ के साथ, पराठों के साथ, तमाम चीज़ों के साथ ये चटनी एक आप बना लें रमज़ान में, तो आप ये सेव करके रख लें बस बना के, और आपकी जान छूट जाएगी। हर चीज़ के साथ लाजवाब है ये चटनी। ख़ुद अगर ये चटनी आप खाली भी रोटी के साथ खाएंगे तब भी आपको पता चलेगा ये कि इसका कितना ज़बरदस्त फ्लेवर है, बहुत मज़ेदार बनती है। तो आप भी बना लीजिए हमारे तरीके से और सेव कर लीजिए और जान छुड़ा लीजिए अपनी बाकी सारी चटनियों से। तो चलिए ट्राई कीजिएगा हमारी इस रेसिपी को ज़रूर, और हमें फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि ये कैसी लगी। मुझे दीजिए अब इजाज़त, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक और मज़ेदार सी और आसान रेसिपी के साथ आपके लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।